हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ बस अड्डे से। अभी मैं हूँ कोटा के बस स्टैंड में, ये देखिए। और अभी जा रही हूँ मैं गाँव में। गाँव की बस तो मिली नहीं, तो इसलिए मैंने गाड़ी बुक कर दी है और अब हम जा रहे हैं गाँव। और टाइम हो गया, अभी हम पहुंच गए हैं सिसल्टी में और कोरदार से चले हुए हमको पूरे 2 घंटे हो गए और अभी हमको लगभग 4 या 4:30 बजे तक पहुंचेंगे। बहुत दूर है हमारा गांव, पूरे 6 घंटे लगते हैं पूरे। तो इतने लंबे सफ़र में सफ़र करना बहुत मुश्किल है, वो भी बच्चों के साथ। लेकिन अभी तो ठीक है, गोलू भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ और रूही ने थोड़ा उल्टी करी। तो आगे जा के देखते हैं कितना टाइम लगता है। और हमारे साथ जो ड्राइवर भैया हैं वो जा रहे थे खाना खाने, क्योंकि 2 बज गए हैं, खाने का टाइम हो गया है, इसलिए वो खाना खाने जा रखे हैं और हम उनका वेट कर रहे हैं। और मैं बच्चों को कुछ नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि कुछ खाने के बाद बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तो चलो चलते हैं, कब पहुँचते हैं। बल्ली वाली आरुषि भी ठीक है एकदम, आरुषि तो ठीक ही रहती है। अब आरुषि बड़ी हो गई है इसलिए आरुषि ज़्यादा परेशानी नहीं होती और मेरे को भी परेशान नहीं करती। और यहाँ पे देखो बहुत अच्छे अच्छे ये रेस्टोरेंट लॉज बन रखे हैं टूरिस्ट के लिए, खासकर जो घूमने आते हैं। करो बेटा, जो घूमने आते हैं टूरिस्ट उनके लिए सारे कुछ बना है। देखिए बोलो, रुको 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 रुको, देखो लो ये कितने सुंदर है। देखो ये देखो क्या है, क्या लगा इस पेट पे, ये क्या? अभी हम उतर गए हैं अपनी गाड़ी से। ये देखिए यहाँ पे गाड़ी रुकी और दादाजी बात कर रहे हैं ड्राइवर से, अभी हम सामान उठाएंगे। ये हमारे घर का रास्ता है, ये नया रास्ता बन गया, ये यहाँ से हम सामान उठाएंगे और अब जाएंगे हम अपने घर में ऊपर। तो यहाँ पे देखो मैंने बहुत बड़ा बैग अपने सर में उठा लिया है और अब यहाँ से थोड़ा सा चढ़ाई है, चढ़ाई में जा रही हूँ मैं। ये मैंने सर में रखा है बैग और अब मैं चढ़ रही हूँ यहाँ से चढ़ाई। ये देखो अब सीधा सीधा आ गया, ये आ गए हमारे घर और यहाँ पे एक बंदर बैठा है। बज चुके हैं 5 और हम आ गए हैं अभी घर पे। कैसा लगा रही आपको सफर? अब पानी चल रही है और यहाँ पे बात हो रही है। क्या हो रही बोलो? गोलू हो रखा है बहुत ज्यादा खुश।
तो यहाँ पे बारिश हो रही है। जैसे ही हम घर पे पहुँचे तो देखो बारिश हो रही है और ठंड भी लग रही है। अब मैं तो बच्चों के सीधा गर्म कपड़े निकाल रही हूँ क्योंकि बहुत ठंड हो रही है। ये देखो कैसा मौसम हो रखा है, दूर दूर देखो। तो दोस्तों अभी 9 बज रहे हैं और हमारा खाना पीना हो गया है। हमने खाना जल्दी खा लिया था, 8 बजे ही हमारा खाना हो गया था। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि गांव में जल्दी खाना बन जाता है और लोग जल्दी खा लेते हैं, तो इसलिए हमने भी बना लिया था। क्योंकि भाई एक तो बारिश भी थी, जैसे ही हम घर पर पहुँचे तो बहुत तेज़ बारिश आई और ओले भी पड़े, लगभग 1 घंटे तक बारिश रही। और दूसरा कारण यह था जल्दी खाने का कि हमने सुबह से नाश्ता किया था, दिन का खाना नहीं किया था, तो बच्चों को भी भूख लग गई थी तो इसलिए जल्दी खा लिया। और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मैंने भी ये देखिए मेरी रजाई है, रजाई ओढ़ रखी है और मेरे बच्चे भी ये देखो रजाई ओढ़ के बिल्कुल सो रखे हैं। तो यहाँ बहुत ठंडा हो रहा है मौसम बारिश की वजह से। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी और जल्दी मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।